साल 2023 को अलविदा कहने का वक्त आ गया है। वक्त आ गया है कि नए साल 2024 का स्वागत किया जाए। मगर इससे पहले डालिए खेती किसानी से जुड़ी उन बातों, फैसलों और घटनाओं पर नजर, जिनके लिए हमेशा याद किया जाएगा ये जाता हुआ साल 2023। इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। शुरुआत करेंगे मिलेट्स के साथ, क्योंकि इस साल की शुरुआत भी हुई खेती की दुनिया में मिलेट्स क्रांति के साथ। दुनिया भर में साल 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के तौर पर मनाया गया। सरकार का पूरा फोकस रहा कि देश के कोने कोने तक मिलेट्स को लेकर जागरूकता अभियान चलाए जाएं और लोगों को इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी दी जाए। मिलेट से बने प्रोडक्ट्स पर भी जीएसटी में कटौती करते हुए 18% की जगह 5% कर दिया गया। वहीं कई मौकों पर खुद प्रधानमंत्री मोदी मंच से मिलेट्स के फायदों के बारे में बात करते दिखे और इसी साल हुए G20 सम्मेलन में भी विदेशी मेहमानों को मिलेट्स के व्यंजन परोसे गए। इसके साथ ही मिलेट्स मिशन के तहत देश भर में मोटे अनाज की खेती और खपत को प्रोत्साहित किया जा रहा है। कई राज्य सरकारें भी मोटे अनाज को बढ़ावा दे रही हैं। कई प्रदेशों में किसानों को मोटे अनाज के बीज भी फ्री दिए जा रहे हैं। तो ये था मिलेट्स ईयर और ये रही मिलेट्स वाली शुरुआत। आगे बढ़ते हैं। इस साल की दूसरी बड़ी बात रही किसान ऋण पोर्टल। किसानों को सब्सिडी वाला लोन देने और फंड की समस्या को दूर करने के लिए इसी साल किसान ऋण पोर्टल भी लॉन्च किया गया। ये पोर्टल किसानों को डाटा, ऋण वितरण की जानकारी, ब्याज, सब्सिडी और योजना के बारे में और अधिक जानकारी देता है। वो किसान जिन्होंने किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से लोन लिया है, अब उन किसानों को जानकारी और उन किसानों से जुड़ी जानकारी किसान ऋण पोर्टल पर आसानी से उपलब्ध है, जिससे किसानों को लोन सब्सिडी देने में सहूलियत होगी। इसी साल आई नमो ड्रोन दीदी जैसी स्कीम। इस साल एग्री सेक्टर को तकनीक से जोड़ने की जो पहल हुई, उनमें खास पहल रही नमो ड्रोन दीदी योजना। एग्री सेक्टर में महिलाओं का बेहतर योगदान सुनिश्चित करने और ड्रोन तकनीक को खेती से जोड़ने के लिए योजना लॉन्च की गई। इसके जरिए सरकार का उद्देश्य खेती को आसान बनाना है। इस योजना में पूरे देश में 15,000 नमो ड्रोन दीदी को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है। घर घर केसीसी अभियान भी इस साल चर्चा में रहा। 1 अक्टूबर से शुरू हुआ यह अभियान 31 दिसंबर 2023 यानी आज खत्म हो रहा है। इस अभियान के तहत ऐसे किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराया गया जो पीएम किसान योजना के लिए पात्र थे और उन्हें किसान क्रेडिट कार्ड नहीं मिला था। इस साल के जाते जाते सबसे ज्यादा चर्चा बटोरी एक्सपोर्ट बैन ने। इस साल घरेलू बाजार में गेहूं, चावल, चीनी की कीमतों में जारी तेजी पर लगाम लगाने के लिए भारत सरकार ने इनके एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी और साल के जाते जाते प्याज का एक्सपोर्ट बैन करने के साथ किसानों का आक्रोश भी बढ़ा दिया। इससे बेशक दाम में कमी आई, लेकिन किसानों के लिए सरकार का ये फैसला काफी मुश्किल भरा रहा और उसे लेकर जगह जगह आक्रोश प्रदर्शन भी देखे गए हैं और अब भी देखे जा रहे हैं। इसके अलावा इस साल बासमती चावल को लेकर भी काफी विवाद रहा, क्योंकि सरकार ने इसके एक्सपोर्ट पर $1200 प्रति टन की शर्त लगा दी थी, जिसका किसानों ने काफी विरोध किया। बाद में सरकार को ये फैसला वापस भी लेना पड़ा। तो कुल मिलाकर कहीं कभी कुछ उम्मीदें नजर आईं, कभी कहीं उम्मीद की जगह परेशानी और आक्रोश से घिरे दिखे किसान। देखते हैं आने वाला साल किसानों के लिए किसानों के खाते में क्या कुछ दर्ज करता है। तब तक आपको नए साल की बहुत शुभकामनाएं। खेती किसानी से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए किसान तक के साथ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।